दोस्तों, हर महीने की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेके आए हैं सितंबर महीने में मिलने वाले टॉप 5 ऐसे मोबाइल जो कि आपको 10,000 के प्राइस में मिलने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम ये लिस्ट तैयार कर रहे थे तो हमने इस महीने के जो मोबाइल हैं वो काफ़ी महंगे देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले महीने में हमने जो लिस्ट बनाई थी उसके अंदर आपको 4,64 के मोबाइल 10,000 के प्राइस में मिल रहे थे। लेकिन इस बार पता नहीं लॉकडाउन की वजह से हो रहा है या फिर GST के कारण मोबाइल महंगे हो रहे हैं, आपको जो 10,000 के प्राइस में हैं वो 3,32 के मोबाइल देखने को मिल रहे हैं। खैर, हम आपके लिए हर महीने लिस्ट लेके आते हैं तो वो लिस्ट तो हमें बनानी ही थी। तो चलिए देख लेते हैं ये टॉप 5 मोबाइल जो 10,000 के प्राइस में मिल रहे हैं वो कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, तभी आपको आने वाली जो लेटेस्ट वीडियो है वो सबसे पहले मिल सकेगी। और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से हम हर महीने अपनी वीडियो बनाते हैं तो एक क्राइटेरिया रखते हैं, उसी प्रकार से इस महीने भी हमने एक क्राइटेरिया रखा है। और ये क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से है, इस महीने में 10,000 में मिलने वाले जो मोबाइल हैं वो हमने सभी अलग अलग कंपनियों के एक एक मोबाइल लिए हैं, और सभी जो मोबाइल हैं वो न्यू रिलीज मोबाइल हैं। इसके अलावा इन सभी मोबाइल के अंदर आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। इनके अलावा यहाँ पर आपको 4 से 5,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी। हाँ, एक दो मोबाइल और हैं जिनके अंदर आपको 6,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। इस बार 6,000 mAh की बैटरी वाले भी मोबाइल आने शुरू हो चुके हैं। और इसके अलावा इन सभी के अंदर आपको 6.5 इंच की HD डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं अपना सजेशन भी दूंगा कि अगर इनमें से मुझे कोई मोबाइल ख़रीदना हो तो मैं कौन सा खरीदूंगा। तो इससे आपको थोड़ा बहुत और अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आप एक नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो सबसे बेस्ट मोबाइल आपके लिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर है सैमसंग गैलेक्सी M01। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल में आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, और इसे आप 512 GB तक मेमोरी कार्ड लगाकर बढ़ा भी सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 5.7 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलती है। अगर हम कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 और 2 MP का ड्यूल कैमरा देखने को मिलता है। और अगर हम सेल्फ़ी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 MP का सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं बैटरी की। तो सैमसंग के इससे पहले काफ़ी मोबाइल आ चुके हैं जिनमें 5,000 mAh 6,000 mAh की बैटरी लॉन्च की गई थी, लेकिन इस मोबाइल के अंदर सैमसंग ने सिर्फ 4,000 mAh की बैटरी ही लॉन्च की है। खैर, 4,000 mAh की बैटरी भी 2 दिन के लिए काफ़ी होती है। अगर आप सैमसंग लवर हैं तो ज़रूर इसे खरीद सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर SDM 439 का ओक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया है, और इस मोबाइल का जो प्राइस है वो है 8,859 रुपये। तो यहाँ पर मैं जितने भी मोबाइल बता रहा हूँ उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके भी उन्हें खरीद सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है मोटोरोला G8 पावर लाइट। जी हाँ दोस्तों, इस मोबाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर आप मेड इन चाइना मोबाइल नहीं खरीदना चाहते हैं तो इस मोबाइल को आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। ये मेड इन इंडिया मोबाइल है पूरी तरह से। तो इस मोबाइल के अंदर आपको 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज देखने को मिलती है, तो ये अच्छी बात है क्योंकि ये पिछले महीने ही रिलीज हुआ था और उसके अंदर भी हमने इस मोबाइल को शामिल किया था। वैसे इसके अलावा इस महीने मोटोरोला का एक मोबाइल और रिलीज हुआ था, उसके बारे में आपको बता देता हूँ, वो है मोटोरोला G9। लेकिन उसको हमने अपनी लिस्ट में इसलिए शामिल नहीं किया है क्योंकि वो 10,000 से ऊपर की प्राइस में चला गया है। उसका प्राइस है 11,499 रुपये। अगर आप 10,000 से ज़्यादा का खरीदना चाहते हैं तो आप मोटो G9 को भी खरीद सकते हैं। फिलहाल हम बात कर लेते हैं मोटो G8 पावर लाइट की। तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले 6.5 इंच की HD+ की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और कैमरे की बात करें तो 16 और 2 MP के ट्रिपल कैमरे यहां पर देखने को मिलेगी। अगर सेल्फ़ी की बात करें तो यहां पर आपको 8 MP का सेल्फ़ी कैमरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बैटरी की बात करें तो यहां पर 5,000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 2 से 3 दिन तक आपको आसानी से बैकअप दे देगी। अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है। इसके अलावा अगर हम प्राइस की बात करें तो ये मोबाइल आपको 9,999 रुपये में मिल रहा है, तो काफ़ी बेहतर मोबाइल है, आप चाहें तो इसे खरीद सकते हैं।
इसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर है Redmi 9। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और इसका इसके साथ साथ एक और Redmi 9 Prime भी लॉन्च हुआ था, लेकिन उसका प्राइस इससे थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी वजह से हमने Redmi 9 को अपनी लिस्ट में शामिल किया है। तो इस मोबाइल की बात करें तो इसके अंदर आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 और 2 मेगापिक्सल्स के ड्यूल कैमरे देखने को मिलेंगे, जो कि काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। आजकल ट्रिपल और क्वाड कैमरे देखने को आ रहे हैं। अगर हम बात करें सेल्फी की तो यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल्स के सेल्फी कैमरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। और अगर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 2 से 3 दिन तक ये चल सकती है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 2.3 GHz पर काम करता है। और इसका जो प्राइस है वो है 8999। इसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर है Realme C12। जी हाँ दोस्तों, ये भी कुछ दिन पहले ही अभी लॉन्च हुआ है और इसके अंदर आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे यहाँ लगता है कि Realme ने जो मोबाइल हैं वो थोड़े से महंगे करके यहाँ पर लॉन्च किए हैं। ये मोबाइल इससे कम प्राइस के अंदर आ सकता था। खैर चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो इस मोबाइल में आपको जो डिस्प्ले है वो 6.5 इंच की HD की डिस्प्ले देखने को मिलती है। कैमरे की बात करें तो यहाँ पर आपको 13 और 2 मेगापिक्सल्स के ट्रिपल कैमरे देखने को मिलते हैं। और अगर सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 5 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है Realme ने इस मोबाइल में दी है वो इसकी बैटरी दी है। बैटरी आपको यहाँ पर 6000mAh की देखने को मिलती है। तो अगर आप एक मोबाइल हैवी यूज़र हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इस मोबाइल को आप ज़रूर खरीद सकते हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट अभी ये रिलीज किया गया है। इसके अलावा अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek Helio G35 का प्रोसेसर देखने को मिलता है और इसका जो प्राइस है वो भी काफ़ी कम है, 8999, यानी कि 9000 में आप इसे खरीद सकते हैं। वैसे मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव बता देता हूँ। अगर आप 1000 रुपये और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप इसकी बजाय Realme Narzo 10A को ख़रीद सकते हैं और ये आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज के अंदर मिल जाएगा मात्र 9999 रुपये में। हमने Narzo 10A को इसलिए शामिल नहीं किया अपनी लिस्ट के अंदर क्योंकि ये जो Realme C12 है उससे पहले रिलीज हो चुका है और हम अपनी लिस्ट के अंदर लेटेस्ट मोबाइल शामिल करते हैं, इसी वजह से हमने ये अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है। तो खैर चलिए, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी मोबाइल अच्छा लगता है तो वो आप खरीद सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फाइनली हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो है वो है Infinix का Infinix Fold 9 मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी बेहतर मोबाइल है और इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इस मोबाइल में आपको जो स्टोरेज है वो 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देखने को मिलती है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की HD प्लस की डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैमरे हैं वो भी आपको क्वाड कैमरे देखने को मिलती हैं, 13, 2, 2 और जो चौथा कैमरा है वो लो लाइट सेंसर का कैमरा दिया गया है। तो 4 क्वाड कैमरे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आप एक कैमरा मोबाइल खरीदना चाहते हैं बजट प्राइस में तो इस मोबाइल को आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पर सेल्फी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर बैटरी की बात की जाए तो बैटरी भी काफ़ी बेहतर दी गई है, 5000mAh की यहाँ पर बैटरी दी गई है, जो कि 2 से 3 दिन तक काफ़ी आसानी से चल सकती है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो प्रोसेसर भी काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर MediaTek Helio P22 यानी कि P22 का प्रोसेसर दिया गया है और इसका जो प्राइस है वो है 9499 रुपये। लेकिन रुकिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको Infinix का एक और अल्टरनेटिव बता देता हूँ। अगर आप हैवी गेमर्स नहीं हैं या फिर कोई ज़्यादा ऐप्स अपने मोबाइल में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसकी बजाय आप एक Infinix का ही सस्ता मोबाइल खरीद सकते हैं, वो है मॉडल Infinix Smart 4 Plus। जी हाँ दोस्तों, ये मोबाइल आपको मात्र 7999 रुपये में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी सी रैम और स्टोरेज है वो कम देखने को मिलेगी। ये मोबाइल आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज के अंदर मिलेगा और यहाँ पर आपको दो चीज़ प्लस पॉइंट में मिल रही हैं। यहाँ पर आपको जो स्क्रीन है वो 6.8 इंच की बड़ी स्क्रीन मिल जाएगी और जो बैटरी है वो आपको 6000mAh की
मिल जाएगी। तो वो आप खुद डिसाइड कीजिए, अगर आप एप्लीकेशन या फिर गेम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो इन्फिनिक्स हॉट 9 ही बेटर है। तो चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं, अगर मुझे इनमें से कोई मोबाइल ख़रीदना हो तो मैं कौन सा खरीदूँगा। तो अगर मुझे इस समय कोई मोबाइल ख़रीदना है तो मैं ख़रीदूँगा मोटोरोला G8 पावर लाइट को, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया के अंदर बना हुआ है। मैं कोई भी चाइनीज़ मोबाइल फ़िलहाल ख़रीदने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, जिस प्रकार से रैम और स्टोरेज भी, 4GB रैम 64GB स्टोरेज दी गई है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर बैटरी भी 5000 mAh की दी गई है, और जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, MediaTek Helio P35 का प्रोसेसर दिया गया है। तो मुझे तो इनमें से यही मोबाइल पसंद है। अब आपको सोचना है कि इनमें से आपको कौन सा मोबाइल पसंद है। इसी के साथ दोस्तों हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अगले महीने फिर मिलेंगे एक और लिस्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।